Hello brothers and welcome back to another episode of Westland Survival. So guys, आज हम continue कर रहे हैं वापस से मतलब spirit cave को explore करना आज के वीडियो में. और last वीडियो में आप में से काफी सारे बंदों को ऐसा लगा कि मैं अभी भी ready नहीं हूँ spirit cave के लिए. देखो ऐसी बात तो नहीं है क्योंकि आप लोगों ने जो देखा वो बस एक घंटे का वीडियो था, लेकिन मैंने offline मतलब वहाँ पे पूरा मतलब 2 से 2.5 घंटे का मतलब मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग की थी. अब असली बात यार, मैं मतलब 2-2.5 घंटे की मैं वीडियोस तो नहीं डाल सकता और ना ही मेरे पास उतना इंटरनेट है. बट या मतलब वो मैं आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि मैं रेडी नहीं हूँ. मैं मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मतलब सारे टायर 4 की जो चीज़ है वो लेके गया था. और मैं वहाँ पर इसलिए मरा क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ही वो मतलब बड़ी सी केव हुए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एनिमी है. आप लोगों ने जो देखे वो मतलब मैंने कुछ ही देखे आए थे और जो मेन जो पार्ट है जैसे कि वो कुछ बॉसेस थे मेन मैंने वही दिखाए थे क्योंकि मेरा मकसद ही वही था कि आप लोगों को वो जो मेन बॉसेस है वो दिखाऊँ और आप लोगों को वहाँ पे मतलब जो मेन बॉसेस के आसपास जो जितनी भी चेस्ट होती है वहाँ पे कैसे लूट मिलती है और वहाँ पे मतलब आप लोगों को पूरी केव एक्सप्लोर करने के बाद क्या आप लोगों को मिलता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ. और इसलिए मतलब मैंने वो पूरा का पूरा नहीं डाला. और ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इतने सारे मतलब एनिमीज से फाइट करूँगा सो मतलब मेरे जो सारे मतलब आर्मर्स और वेपन्स है उन सब की ड्यूरेबिलिटी टूट गई थी. और जो एकदम मैं लास्ट में वो वाले मतलब क्रीचर के पास में पहुँचा तब मेरे मतलब सारे मतलब आर्मर टूट चुके थे और जो मेरा मतलब वेपन था उसकी भी ड्यूरेबिलिटी मतलब एकदम जाने वाली थी और मेरी सारी हीलिंग्स भी ख़त्म हो गई थी. और आज हम स्पिरिट केव को पूरा का पूरा एकदम एक्सप्लोर करके एकदम पूरा ख़त्म कर देंगे. और या आज हम ट्राई करेंगे जो कि हम पिछले वीडियो में नहीं कर पाए थे. आज हम 2 बकेट ऑफ टार मतलब लाने की कोशिश करेंगे. सो सबसे पहले यार अपने हथियार ले लेता हूँ मैं. और राइट, सो गाइस हम स्पिरिट केव में तो पहुँच चुके और अभी भी मतलब 1 दिन 2 घंटे का मतलब टाइम है इसको रिसेट होने में. वैसे 4 दिन का टाइम था और 3 दिन के अंदर ही मैंने मतलब वापस से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ. और अभी मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ, जैसे कि मतलब पहले तो मैं ये जो सारे मेरे को आर्मर मिले थे वो लेके आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मतलब जल्दी टूट जाए और उसके बाद मतलब मैं जो ये टायर 4 के आर्मर है वो चलाऊँ. और मैं कुछ ये मतलब टायर 4 और टायर 3 की मैं मतलब गन्स लेके आया हूँ वैसे तो. और मैं बहुत सारे हीलिंग्स भी लेके आया हूँ अपने साथ भर के एकदम. और राइटी, सो मैं अभी वापस आ चुका हूँ जहाँ पे हमने लास्ट टाइम मतलब ख़त्म किया था. और एक मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं वापस से पानी की बॉटल्स और खाना लाना भूल गया यार अपने लिए. और अभी मेरे को लगता है कि मेरे को आई थिंक वापस आना पड़ सकता है उसके कारण. और इधर एक गेट है जो कि बंद है अभी तो. और इसको मतलब ओके, खाना तो मिल गया अपने को लेकिन पानी की बॉटल्स का क्या करेंगे हम? पानी की कमी हो रही है अपने को अभी से ही. ओके, सामने मेन वो बॉस है जो कि इसी ने अपने को लास्ट टाइम अपने को मारा था आई थिंक तो. चलो भी आ जा. अभी तो दिक्कत की बात ही नहीं भाई वैसे, क्योंकि अपने पास बहुत सारे मतलब हथियार और वेपन्स लेकर आए आज हम. इसमें से एक तो बीसी टूट गया. ओके गया, बस पानी की बोतल समझ जाए. और काश ऐसा होता कि मतलब हम ये जो मतलब हील ले रहे इस हीलिंग के कारण अपने को थोड़ा मतलब अपना थोड़ा थ्रस्ट इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. और यहाँ पे बेकार का सामान ही है. इस वाली चेस्ट में कुछ खास होगा देखना, जो ऐसी दिखती है इस वाली चेस्ट में ही खास होता है वैसे तो. ये देखा मतलब काश में तो मतलब ये लोग ये वाले आर्मर से देखे वैसे तो. और राइट, यहाँ पे और कुछ है? नोप, यहाँ पे और कुछ नहीं है. ये वाला रास्ता खुला है यहाँ पे? नहीं, अभी भी बंद है. सो आई थिंक मेरे को लगता है एक मेन बॉस यहाँ पे है, इसको अपने को मारना है. जो कि वो कहाँ है? ओके, सामने और भी बंदे वैसे. चलो गए. देखा ये मतलब काफ़ी आसान है यार. मतलब मैंने बस आप लोगों को ये सब मैं दिखाता नहीं मतलब नहीं हूँ काफ़ी टाइम. ओ यहाँ पे मैंने लूटा नहीं था ठीक से. ओ बेकार का सामान था इसलिए नहीं लूटा था, समझ गया, गॉट इट. ओ यहाँ पे मोस्टर था या अब मेरे को याद है, यहीं पे हम मरे थे क्योंकि यहाँ पे मतलब ये सारे बंदे थे. और वो जो मतलब मेन बॉस होता है हर एक मतलब केव में मतलब हर एक वो रास्ते पे
वहाँ पे अपने को, और यहाँ पे अपने को ये मिला था वो मेन बोसिस, बोसिस क्या होता है, मेन बोस ये रहा, यही वाला था, ये फास्ट है ये वैसे तो, और डैमेज भी मतलब 90 का देता है ये। हीलिंग ले लेता हूँ, एक स्पेशल अटैक। हाँ ऑलमोस्ट गया यार ये तो, आधी एचपी तो हमने ले ली इसकी, फास्ट है वैसे तो ये, वो डैमेज भी दे रहा है वैसे तो, हीलिंग मार। एक अच्छी सी गन हो तो मतलब ये सारे मतलब बॉसेस से आराम से मर सकते हैं, लेकिन भर भर के आप लोगों को गन्स और आर्मर्स लेके आने पड़ेंगे, और मतलब वेपन्स भी, और अपने को ये वाला हेड भी मिल चुका है, और अभी अपने को बस एक और आई थिंक हेड चाहिए या फिर और कुछ चाहिए जो चीज़ अपने को चाहिए वो। और हाँ साथ में यार आप लोग पानी की बॉटल्स और ये सब भी लेके आना, और अभी तो मैं ये सारे मतलब टायर फोर की ये चीज़ें मैं मतलब पहन लेता हूँ। लो प्यास लग गई, अभी वाट लग सकती है। आई थिंक अभी मतलब मेरे को वापस जाना पड़ेगा पानी की बोतल लाने के लिए, लेकिन देखते हैं हम कब तक ऐसे रह पाते हैं। सवाल नहीं चाहिए यार अपने को, थोड़ा सा अपने को यहाँ यहीं पे मतलब पानी मिल जाए ना तो अच्छा रहेगा यार अपने लिए भी। पानी दे दे, पानी के अलावा सब कुछ है यहाँ पे। और ये टायर वन के वैसे, और यार मैं मतलब आप लोगों को बता दूँ, जो ये वाला आर्मर होते हैं वो मतलब किस काम के आते हैं पता है, जो ये मतलब स्पिरिट होती है वो मतलब अपने आर्मर्स को मतलब को ज़्यादा डैमेज देती है, मतलब अगर आप लोग ये वाला आर्मर पहनोगे सो मतलब इससे मतलब इन लोगों की ड्यूरेबिलिटी स्पिरिट अगर मारेगी सो मतलब इतनी जल्दी नहीं टूटती है, ऐसा होता है मतलब। और ये वाला रास्ता भी खुल गया वैसे तो, और अभी एक आखिरी वाला डोर ही बचा है भाई, और मेरे को पानी की बॉटल्स चाहिए। और राइट अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे ये वाला पी हम डाल देते। और राइट हमने मतलब चारों वेट डाल दिए, और आई थिंक अपने को यहाँ पे भी कुछ डालना है इसको एक्टिवेट करने के लिए स्पिरिट को। और हाँ मैंने लास्ट एपिसोड में आप लोगों को बताया था, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने वो मतलब ठीक से मतलब देखा नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने मतलब एकदम जल्दी जल्दी में निपटा दिया था। सो यार मैं मतलब आप लोगों को बता दूं कि ये जो मतलब चेस्ट होती है इन सबको आप लोगों को ओपन करने के लिए ना यहाँ पे मतलब ये जो चीज़ बोते हैं वो आप लोगों को देनी पड़ती है, मतलब अगर आप लोग ये पूरी 50 दे दोगे सो उसके बदले में आप लोग ये वाली मतलब चेस्ट ओपन कर पाओगे। वैसे ये तो ये वाली मतलब मैंने कंप्लीट कर दी थी वैसे तो, और इसके ये तो ये रहे अभी से वैसे तो 12 में हम मतलब मार लेंगे क्या उसके बॉसेस को, आ जाओ देखते हैं। वैसे हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, एक्टिवेट वो स्पिरिट वाला आ चुके एकदम यहाँ पे, और सामने मेरे को एक अलग सी चीज़ मेरे को मैप में दिखी। यप ओ ये तो अपना ये है, भूल गया था मैं। और राइट आगे बढ़ते, सामने बहुत सारे बंदे भी है, करीब मत आयो एक भी, आ जा। और बोन्स मिली अपने को, और यहाँ पे ओके घोस्ट है ये वाला गया। पानी अपने पास चार है सो आई थिंक अपने को जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर मैं खोदता हूँ अगर मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे मेन बॉस मिल गया सो उससे हम डायरेक्ट फाइट कर लेते हैं अगर मिला तो, जो कि मेरे को नहीं लगता। अरे दोनों ने देख लिया सालों में, और वैसे अपना पेंट टूट चुका है भाई, ये तो देखा ही नहीं हमने। चलो गया, पानी पीना पड़ेगा अपने को अभी।
अरे यार हम बक्से भी नहीं उठा पाएंगे इसके मतलब चक्कर में। तो यार मैं मतलब पानी की बॉटल्स लेके आता हूँ। राइटिस हो गया, इससे काफ़ी दिनों के बाद वो सेम चीज़ वापस से स्टार्ट हो चुकी है, वही मतलब रिकॉर्डिंग मतलब क्रेश हो जाना। और उसके लिए मतलब मैं मतलब कोशिश मतलब मैं बहुत रहता हूँ, और अच्छा हुआ कि मैंने मतलब अब तक मैं क्या करता हूँ कि मतलब मैं रिकॉर्डिंग को मतलब मैं पार्ट्स में मतलब मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि मतलब ये मतलब 15 मिनट मैंने रिकॉर्ड किया, डन। अब आगे की मतलब उसको मतलब मैं सेव कर देता हूँ और आगे की मैं मतलब 15 मिनट में रिकॉर्ड करता हूँ। और अभी मतलब मैंने जस्ट उस मेन बॉसिस को हराया। बॉसिस क्या होता है वो मतलब मेन जो स्पीड होती है उसको मैंने मारा था। उसकी डेड बॉडी कहाँ गई? यहीं पे मैंने मारा था। वो मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है। आप लोगों ने उसको मतलब काफ़ी टाइम मतलब देखा ही होगा। कहाँ गई यार उसकी बॉडी? वाडू एक उसकी बॉडी कहाँ है यार? इधर ही मैंने मारा था। आई डोंट नो उसकी मतलब बॉडी क्यों नहीं यहाँ पर दिख रही, बट या मतलब उसके पास से अपने को ये मिल चुकी थी जो अपने को चाहिए थी, सील ऑफ स्पिरिट, जो कि अपने को वहाँ पे लगानी है। और अभी चलते मतलब मैं मतलब वो इतना कुछ खास बॉस मतलब था भी नहीं, मतलब उसकी करीबन 2000 या 3000 ही उसका मतलब हिट पॉइंट है। हिट पॉइंट यानी कि मतलब हेल्थ थी उसकी, और मेरी मतलब 2 या फिर 3 ही अब मेरी हीलिंग लगी थी। और मतलब आप लोग देख सकते हो कि मतलब उस टाइम कितनी थी और अब कितनी है बस। और राइट, सो अभी जो जो मतलब चीज़ लेके इसको यहाँ पे लगा देते हैं भाई, आखिरी वाली जो अपने को चाहिए थी सील ऑफ स्पिरिट एक्टिवेट करते हैं अभी। यू आर गोइंग टू रिसेट ऑल द केव्स, दिस विल बी इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल एंड रिवॉर्ड क्वालिटी। ओके, सो मतलब अपनी जो ये सारी मतलब चीज़ है वो मतलब रीसेट हो चुकी है अभी वापस से अपनी केव। सो अभी मतलब इसका कहना का ये मतलब था कि अभी जो इसकी डिफ़िकल्टी थी अभी और भी इंक्रीज़ हो चुकी है, और अभी जो अपने को चेस्ट में से मतलब जो जो चीज़ें मिलेगी वो भी अभी इंक्रीज़ हो जाएगी जब ये मतलब वापस रीसेट हो जाएगी। और बाय द वे मैं यहाँ पे वापस तो आने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ खास तो मिलता नहीं फिर भी मतलब जितने भी ये लोग मतलब अपने रिवॉर्ड इंक्रीज़ कर दें। और अपने जो ये दोनों टास्क है वो मतलब कंप्लीट हो चुके। एक तो आपका टास्क जो ये बकेट ऑफ टार वाला तब कंप्लीट होगा जब आप जो 4 के 4 हेड आप लाके उस मतलब मूर्ति में डाल दोगे, तब आपका ये मतलब ये जो एन आर्ट वर्क वाला टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को बकेट ऑफ टार मिल जाएगी। और ये जो स्पिरिट केव मिथ वाला जो मिशन है वो तब कंप्लीट होगा जब आप जो वो मेन बंदा है जो कि मैंने आप लोगों को मतलब दिखा नहीं पाया क्योंकि वो मतलब मेरी रिकॉर्डिंग क्रैश हो गई वहाँ पे, उसको मानने के बाद मतलब मिल जाएगा। और दिक्कत मतलब यार वो मतलब अगर आप लोगों के पास एक अच्छा सा मतलब हथियार होगा और एक अच्छा सा मतलब क्या कहते हैं आर्मर, और दो मतलब आप लोग समझ लो टायर 3 की जो हीलिंग होती है वो 2 लेके आओगे ना मतलब उसको मानने के लिए, तो भी वो मर जाएगा मतलब एकदम इजी में वो मतलब मर जाएगा। मतलब मैंने तो उसको मतलब एकदम इजीली मतलब मार दिया है। और अपना ये वाला पी मिशन कंप्लीट हो चुका है, सो अभी हम चलते हैं सिल्वरटोन में अपने रिवॉर्ड्स लाने के लिए। और अपने को एक और बकेट ऑफ टार चाहिए, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं उसका कैसे जुगाड़ करता हूँ। इस वक्त हम अपने बेस पे तो आ चुके, और अपने पहले सारे वेपन्स हम रख लेते अपने यहाँ पे। और या मेरे को मतलब बहुत टाइम पहले एक और कमेंट आया था जो कि था मतलब ये वर्क बेंच के रिलेटेड, वर्क बेंच तो क्या मतलब रिपेयर बेंच के रिलेटेड, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और मेरे को एक और कमेंट आया था ये वाला, ब्रो टीन माइंड में जाने के लिए बेस्ट गन कौन सा है? माय लेवल इज़ 14। तो आपका 14 लेवल है, सो इस हिसाब से आप मतलब टायर 2 के प्लेयर हुए। सो मतलब टायर 2 के हिसाब से मतलब अगर आप टायर 2 के प्लेयर सो मतलब आप स्नोई माल्पा फॉरेस्ट में और वहाँ पे तो आप जा नहीं सकते, ना ही आप जाते होगे। सो आप मतलब ओक फॉरेस्ट और ऐसी मतलब आसपास की जगह कोई मतलब आप जाते होगे। सो मतलब मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये वाली जो गन है वो मतलब आप यूज़ करो, और उसकी ब्लूप्रिंट आपको मतलब काफ़ी सारे जगह पे मिल जाएगी, और काफ़ी सारे जो मिशन है वो कंप्लीट करने के बाद मिल जाएगी। आप मेरे मतलब चैनल्स पे मतलब वो मतलब चीज़ें देख सकते हो, या फिर आप लोग मतलब जो स्टोरी लाइन अपना जो चैप्टर 1 है उसको कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद आप लोगों को उसकी इसकी ब्लूप्रिंट भी मिल जाएगी, और आई थिंक उसकी गन भी मतलब आप लोगों को ये वाली गन भी मिल जाएगी।
और अगर उसके इसके बाद वाली अगर मैं गन की बात करूँ सो या ये वाली गन मतलब टायर टू के लिए मतलब बेस्ट है। और मेरे को एक और कमेंट आया था ये वाला, ब्रो रिपेयर बेंच में रेल वाली गन रिपेयर नहीं हो रही है और कॉमन गन्स हो रही है रिपेयर, तो ये रेल वाली गन कैसे रिपेयर करूँ। सो इस बंदे का ये कहना है कि जो मेरे पास गन है वो मतलब रिपेयर बेंच है अपनी, उस पर रिपेयर नहीं होगी। सो मतलब मैंने उसको कहा था कि जो तेरे रिपेयर बेंच का लेवल होगा उस हिसाब से तेरी गन मतलब रिपेयर होगी। सो अगर आपके पास टायर थ्री की कोई गन होगी और आप उसको रिपेयर करना चाहोगे सो आपको मतलब लेवल तीन की मतलब आपको रिपेयर बेंच चाहिए। लेकिन ऐसा सारी गन्स में नहीं होता, जो मतलब आपको गन्स इवेंट्स में मिलती है, जैसे कि मतलब मेरे को ये वाली जो गन जो इवेंट में मिली थी जो कि अपना यूनिवर्सिटी इवेंट था उसमें अपने को मिली थी जो कि ये टायर तीन की गन है, लेकिन ये वाली जो गन है वो मतलब इसमें रिपेयर नहीं होगी। या देख सकते हो ये वाली गन यहाँ पे रिपेयर नहीं होगी, उसके अलावा जो अपनी अपनी जो टायर थ्री की जो रेयर गन है वो दिखाता वो रिपेयर होगी, क्योंकि वो मतलब हम बना सकते हैं ना, ये हम बना नहीं सकते। कहाँ गई वो मेरी गन, कहाँ गई यार? ओ ये रही, देखा। और मैं आप लोगों को ये मतलब ये जो हथियार होते वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और देखा आप लोग, देखो ये भी मतलब एक टायर थीन की गन है, और आई थिंक आप लोग ये बोल सकते हो कि ये मतलब रेयर वाली ब्लू प्रिंट है इसलिए ना होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, रेयर और रेयर ना होने से मतलब नहीं होता, और ऐसा भी मतलब नहीं होता कि आप लोगों के पास उसकी ब्लू प्रिंट है या फिर नहीं है। मतलब यहाँ पे मैटर वो चीज़ करती है कि मतलब ये कौन सी चीज़ है जो मतलब आपको इवेंट में मिली या फिर किसी मतलब एक ऐसे रिवॉर्ड में मिली है जो कि मतलब आप यूजुअली अपने मतलब टूल बेंच से मतलब बना ही नहीं सकते। सो जैसे कि ये वाली गन है जो अपने को इवेंट में मिली थी और इसकी मतलब ना ही किसी के पास ब्लू प्रिंट होगी, और ये मतलब काइंड ऑफ एक स्पेशल गन है, और ये स्पेशल गन्स मतलब रिपेयर नहीं होगी, ये वाली गन्स रिपेयर हो जाएगी। ये भी मतलब एक रेयर ब्लू प्रिंट है इसका भी, लेकिन ये रिपेयर हो जाएगी, ये नहीं होगी। और ऐसा ही अपना सीन मतलब ये जो आर्मर्स अपने को मिले थे अपने को स्पिरिट के में आर्मर्स और ये वेपन्स, ये भी मतलब नहीं होगी क्योंकि ये मतलब स्पेशल आइटम्स है, स्पेशल आइटम्स रिपेयर बेंच में मतलब रिपेयर नहीं होगी। आप लोग यहाँ पे मेरे देख ही सकते हो, ये मतलब लेवल फोर की रिपेयर बेंच है, और मेरे ये जो सारे हथियार है वो मतलब टायर टू के ही है, मतलब समझ रहे हो। कुछ कुछ चीज़ें होगी वो मतलब रिपेयर नहीं होगी, जैसे कि ये स्पेशल आइटम्स हो गए जो इवेंट के आइटम है वो नहीं होती। और अभी हम चलते यार अपनी बकेट ऑफ टाल आने के लिए, तो सो सबसे पहले मेरे को ये सब अंदर रखना है। और हाँ एक और चीज़ देखा, मतलब मैं काफ़ी सारी हीलिंग्स लेके गया था, ये दो मतलब ये बीच में हीलिंग लेके गया था और कुछ ये वाले हीलिंग्स लेके गया था, बस मेरी मतलब कुछ ही हीलिंग्स मतलब यूज़ हुई है, ज़्यादा इतनी भी हीलिंग्स नहीं यूज़ हुई, क्योंकि मतलब इस बार तो मतलब इतना कुछ मैंने छोड़ा भी नहीं था, मतलब बहुत ही कम ही मतलब एरिया बचा था मेरे को मतलब फिनिश करने के लिए, इसलिए। और राइट सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ नेटविंग अमेरिकन्स के मतलब कैंप में, और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप बकेट ऑफ टार मतलब एकदम इजीली कैसे पा सकते हो। सो यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि एक ये वाला ट्रेडर हो गया, क्योंकि ये लोग आप लोगों को स्नो या आर्मर देते हैं। अगर आप लोग VIP डे में आओगे सो आप लोगों को थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और वैसे ये मतलब ब्लू प्रिंट लेवल तीन के देते हैं सो कि बहुत ही बढ़िया डेर है, और साथ ही साथ अगर आप लोगों के पास VIP डे होगा तो भी मतलब ये काफ़ी मतलब बढ़िया सा ही मतलब एक डील होगी। सो आप लोगों को यहाँ से आर्मर भी मतलब मिल सकते हैं, और यहाँ पे मतलब ये जो ये वाला ट्रेडर है उसके पास से हम आ चले गए मतलब बहुत सारे मतलब ब्रॉन्ज के इंगोट, क्यों वो मैं बताता हूँ, और मैं कुछ ये आयरन की इंगोट भी ले लूँगा वैसे तो। और राइट सो मतलब मैंने ये सारे मतलब इंगोट्स क्यों लिए, मतलब मैं वैसे तो मैंने अभी ये 20 तो मैं अपने घर से लेके आया था, ये तीन सामान तो मैं अपने घर से लेके आया था, और मैंने ये इसलिए लिए क्योंकि अपने को मतलब सो अगर आप लोगों के पास मतलब ये कुछ ज़्यादा ही आप लोगों के पास वुल्फ के फेंग हो और ये बेयर के क्लो हो सो आप लोग उससे मतलब आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप लोग यहाँ से मतलब ट्रेड कर सकते हो, और आप लोगों को मतलब अच्छा खासा सामान भी आप लोगों को मतलब मिल सकता है एकदम मुफ्त पे घर बैठे हुए। और रेडी सो गाइस, मैं भी आ चुका हूँ सिल्वर टाउन में, और सबसे पहले तो यार अपने रिवॉर्ड ले लेते जो हमने कंप्लीट किए मिशन, जो कि पहला हमने ये वाला मिशन किया था इसका हम ले लेते हैं। इसका कौन सा मिशन था वैसे? या इन आर्ट वर्क, यही अपने को एक पकेट ऑफ टार देगा।
सो अपनी एक बकेट ऑफ टार तो कंप्लीट हो चुकी है और एक इसका भी एक मिशन था और राइट इसका भी हमने एक मिशन कंप्लीट कर लिया। और अभी आप लोग ये सोचोगे इसका मिशन मतलब कंप्लीट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बंदा अपने को इसके जो लास्ट मिशन होगा उस पर अपने को एक वेगुन की एक ऐसी आइटम देगा। सो मैं आप लोगों को बता दूँ जो इसका लास्ट मिशन होगा वहाँ पे अपने को एक वेगुन की एक ऐसी आइटम मिलेगी जिससे मतलब उसके बगैर मतलब वेगुन मतलब कंप्लीट हो ही नहीं पाता। और वो चीज़ है वो अपने को कहीं पे भी नहीं मिलती, ना ही अपने को शूट आउट इवेंट में मिलती है, ना ही अपने को वो कहीं और मिलती है, और ना ही अपने को मतलब वो चीज़ इसके पास से मिलती है जो कि सारा का सारा होस और वेगुन का सामान देती है, उसके पास से भी ये चीज़ नहीं मिलती जो कि मैं आप लोगों ने ऑलरेडी मैंने उसको स्क्रीन में दिखाई दिया होगा वैसे तो। सो इसके लिए मतलब अपने को ये इसके मिशन करने ज़रूरी है वैसे तो। और इसका नेक्स्ट जो मिशन है वो होगा कैनियन ट्रेंस वाला, जो कि हम किसी और वीडियो में करेंगे क्योंकि इस मिशन में मतलब कसम से वाट लगने वाली है, क्योंकि एक वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब हालत ख़राब हो जाती है यार, मतलब कसम से हालत ख़राब हो जाएगी। और अपने को उसकी मतलब 10 वेव्स अपने को कंप्लीट करनी है भाई, जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ी सी बात है वैसे। और अभी हम अपनी जो एक और बकेट ऑफ टार है वो हम इससे ट्रेड कर लेंगे, और ये हमने इससे ट्रेड कर ली और वापस ये मतलब 12 घंटे के बाद वापस से रीसेट होगा, सो हम वापस एक और ट्रेड कर लेंगे वैसे, दिक्कत की बात नहीं है। और अभी हम चाहते हैं रिवर क्रॉसिंग की ओर, ओके। सो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा नेक्स्ट स्टॉप डायरेक्ट रिवर क्रॉसिंग ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं मतलब ये वाले जो बोर्ड है वो लाना भूल गया था यार, सो मेरे को वापस अपने रेंज पे जाना पड़ा था। और अभी मैं आ चुका हूँ वापस, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपने सारी चीज़ें जो मेरे को डालनी थी, जैसे कि सबसे पहले ये ओके बोर्ड्स, और मैंने 4 ऑलरेडी डाल कर रखी थी, और वापस से ये आ चुकी है 6, और 100 चाहिए थी, मैंने थोड़ी कम ही लग के आया हूँ आई थिंक, या 5 मेरे को कम पड़ चुकी है ये बोर्ड, लेकिन दिक्कत की बात नहीं, ये भी मतलब फिनिश हो जाएगी। और अभी अपने को बस 4 बकेट ऑफ टार चाहिए, और उसके बाद एकदम हार्ड चीज़ अपने को चाहिए जो कि है ये आयरन की नील्स, जो कि मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मेरे स्टोरेज में बस 6 ही है, और अपने को